मैं रश्मि आपका रे किचन में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बिना अंडे के बहुत ही टेस्टी ऑमलेट बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, ये जो ऑमलेट है यह हमारे बिल्कुल रेगुलर ऑमलेट की तरह ही दिखने में होता है और खाने में भी उतना ही टेस्टी होता है। सुबह का नाश्ता हो या फिर बच्चों का टिफिन, ये परफेक्ट रेसिपी है जिसे आप झटपट बनाकर फटाफट अपना काम निपटा सकते हो। तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आपको मेरे वीडियो पसंद है तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करना ना भूलिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बिना अंडे के बहुत ही स्वादिष्ट ऑमलेट। बाउल में हम 1 कप बेसन लेंगे, 1/2 कप मैदा लेंगे, नमक स्वादानुसार, 5 छोटा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। अब हम इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने मैदा इसलिए डाला है क्योंकि मैदे से ही हमें अंडे का कलर मिलेगा और इसमें हमने बेकिंग पाउडर भी डाला है जिससे हमें अंडे का टेक्सचर मिलेगा। ये मैंने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट जो है इसे अच्छे से मिला दिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसका एक पतला घोल बनाएंगे। हमें ये पतला घोल चाहिए। इसमें मैंने 3/4 कप इतना पानी मिलाया है। इसे हमें लगातार फेंटना है जिससे कि इसमें बबल्स आ जाए और इसमें कोई भी गुठली ना रहे। ये देखिए हमारा बैटर बनकर रेडी है। इसके ऊपर बबल्स आ गया है। ये इस तरह का बैटर होना चाहिए। आप चाहो तो इस तरह ही इसे प्लेन ऑमलेट बना सकते हो, पर मुझे जो है वो प्याज और टमाटर वाला ऑमलेट ज़्यादा पसंद है। तो अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ टमाटर, 1 छोटा चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे और इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पे काली मिर्च और हरी मिर्च दोनों का इस्तेमाल किया है, बट आप अपने फैमिली के टेस्ट अनुसार या फिर अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हो तो बच्चों के हिसाब से ही आप इसमें तीखापन जो है वो कम कर सकते हो। नॉर्मली जो हम एक ऑमलेट खाते हैं उसमें हल्दी होती है, लाल मिर्च होती है, बट इस ऑमलेट में मैंने ये सब नहीं डाला है। इस ऑमलेट में आप अपने पसंद अनुसार वेरिएशन कर सकते हो। अब हम ऑमलेट बना लेते हैं। पैन में मैंने 1 बड़ा चम्मच तेल लिया है। तेल को जो है हम अच्छे से पैन में फैला देंगे। आप इस तरह से चम्मच से फैला दीजिए या फिर अगर आपके पास ब्रश है तो इससे भी आप इस तेल को लगा सकते हैं। याद रखें इस ऑमलेट के लिए हमें नॉनस्टिक पैन का ही इस्तेमाल करना है, तभी आपका जो ऑमलेट है वो अच्छा बनेगा। गैस को हम मीडियम टू लो फ्लेम के बीच में रखेंगे। अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं, आपने इससे पहले कभी अंडा नहीं खाया, तो आपके लिए मैं बता दूं कि जो पैन है वो हमारा हल्का गर्म होना चाहिए, तो इसे मीडियम हॉट होना चाहिए। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब जो हमारा जो बैटर है उसे हम एक बार और मिक्स कर लेते हैं। जो भी इंग्रेडिएंट है वो नीचे जाके बैठ गए होंगे तले में। इसमें से हम 2 से 2.5 चम्मच भर कर इस बैटर को डालेंगे और पैन को थोड़ा सा इस तरह से रोटेट करेंगे जिससे कि बैटर जो है हमारा अच्छे से फैल जाए। याद रखें इसमें हम बिल्कुल चम्मच का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे और इसे हम 1.5 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। ये देखिए ये अपने आप ही पैन से अलग हो गया है, यानी ये नीचे से पक गया है। अब हम इसे पलट लेते हैं और दूसरी साइड से भी इसे 1 मिनट के लिए पका लेते हैं। ये नीचे से भी पक चुका है। ये देखिए ये अपने आप पैन से अलग हो रहा है, यही इसका इंडिकेशन होता है पकने का। मैं अभी आपको टर्न करके दिखाती हूँ कि नीचे से कैसे दिख रहा था। देखिए बिल्कुल रियल अंडे का जो ऑमलेट होता है उसी की तरह ये दिख रहा है। जैसे अंडे के ऑमलेट में हमें प्याज टमाटर हरी मिर्च नजर आता है, बिल्कुल वैसे ही इसका लुक है और टेक्सचर भी बिल्कुल वैसा ही आया है। ये हमारा बिना अंडे का ऑमलेट बनकर रेडी है। तो आप भी सुबह के नाश्ते में या फिर बच्चों के टिफिन में इस रेसिपी को जरूर बनाएं और बताएं कैसे बनी थी। तो देखा ना फ्रेंड्स कितना टेम्पटिंग ऑमलेट लग रही है। सिर्फ 5 मिनट में बनने वाली रेसिपी है, ज्यादा वक्त नहीं लगता है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट और बहुत ही आपको फटाफट बनने वाला झटपट नाश्ता है ये। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को आप जरूर बनाएं, अपने फ्रेंड्स परिवार और सोशल साइट पे हमारी रेसिपी को जरूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। आपका कीमती समय देने के लिए शुक्रिया।